हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मिक्स वेज के बारे में बताती हूँ, जो हम लोगों की तरफ की एक ट्रेडिशनल होती है। सब सब्जियों को मिक्स करके हम बनाते हैं, ये किसी फंक्शन या किसी चीज़ बनती है। उसके लिए मैंने ये आलू काट के और ये केले ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, ये परवल सीजन के हिसाब से जो सब्जी मिल जाए परवल को मैंने काटा, और ये फनस जिसे महाराष्ट्र में फनस कहते हैं और हम लोग इसे कटहल कहते हैं, जैक फ्रूट जिसे जानते हैं, वो मैंने लिया। ये कटे हुए प्याज, दो नमक, धनिया की पत्ती, ये लहसुन की पेस्ट है, और ये सारे सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब्जी मसाला, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर। ये अदरक को मैंने कद्दूकस करके लिया है, ये तेज पत्ता, जीरा और दो सूखी लाल मिर्च, और ये हींग मैंने ये कढ़ाई को इस पे डाला है। पैन मेरी गर्म हो गया, मैं इसमें अब तेल डालूं। ये मैंने तेल डाला, तेल मेरी गर्म हो गया। अब मैं इन सारी सब्जियों को फ्राई करूंगी। आप एक साथ भी कर सकती हैं या अलग अलग भी। मैं अलग अलग फ्राई करके निकालती हूँ। जैसे मैंने ये पहले परवल को फ्राई करूंगी। ये परवल मेरे फ्राई हो गए हैं, मैंने इसमें आलू और केले को एक साथ ही डाल दिया है फ्राई में। ये मेरे आलू और ये कच्चे केले वो भी फ्राई हो गए। अब मैं इसमें फनस को डाल दूंगी, कटहल को डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। ये कटहल मेरी फ्राई हो गई है। मैं कढ़ाई में जो तेल बचा उसमें ये तड़के लगा दूंगी। तड़का मेरी थोड़ी चटक जाएगी ऐसे, तो बस मैं इसमें एक चुटकी हींग डालूंगी। हींग डाल दिया मैंने, ये प्याज जो मैंने काट के रखी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। अब मैं इन सारे मसाले जो अदरक को मैंने जो कद्दूकस के लिया है उसमें गरम मसाले को छोड़कर सारे मसाले डाल के पेस्ट बना लूंगी। ये मैंने पेस्ट बना लिया। मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी आधी छोटी चम्मच ये चीनी डालूंगी। चीनी डालने से क्या होता है कि सब्जी की कलर और इसकी फ्लेवर थोड़ी सी अलग रहती है। ये प्याज मेरी भुन गई है। अब मैं इसमें जो फ्राई किए हुए जितनी सब्जी है सारी सब्जियों को डाल दूंगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैंने जो मसालों की पेस्ट बनाई है उसको डाल दूंगी, और इसमें नमक डाल दूंगी। लहसुन की पेस्ट मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी, आधी छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें स्वाद के हिसाब से, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी भी रहती है इसमें, उसके हिसाब से मैं नमक डालूँ। ये मैंने सारे मसाले डाल दिए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब मैं इसका लो फ्लेम करके ढक दूंगी और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे फ्राई करूंगी। ये सब्जी मेरी अच्छी तरह से भुन गई है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, दो गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल के इसमें मैं गरम मसाले डालूँ, एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करके ढक के मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए सारी सब्जियाँ। ये सब्जी मेरी पक के तैयार है। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गई है, सारी सब्जी गल गई है सॉफ्ट। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच घी को गरम करके ऊपर से डालूंगी। ये सब्जी मेरी बन के तैयार है। आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं देखेंगे उनको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।